तो चलिए इसको डेटा को अरेंज करते हैं। एक छोटा सा हिंट देता हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा सर। मैं एक यहाँ पे इंसर्ट करूंगा कॉलन को, और यहाँ पे मैं, यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, बाद में कुछ होगा। तो यहाँ यहाँ से डेटा स्टार्ट है ना हमारा, यहाँ पे करेंगे कि यहाँ से, हाँ एनर्जी यहाँ से, हाँ कि इक्वल इफ अगर ए, चलिए हाँ ए एम्प्लॉय का करना है ना, क्योंकि एम्प्लॉय नेम होगा ना उसका आगे, उसकी उसी का आगे दिया हुआ है, तो इसको कॉपी करते हैं। इक्वल इफ अगर ए इक्वल टू एम्प्लॉय नेम देन हमें काउंट इफ लगा, सॉरी काउंट इफ लगाना काउंट इफ नहीं, हमें तो नंबर से चाहिए ना सर, सॉरी। तो मैक्स, मैक्स क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही बार होगा इसमें, प्लस वन अदरवाइज ब्लैंक। A4, इसको A4 कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं जहां तक हमारा डेटा है। तो हैंग होगा फाइल को, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है। और अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई का नेम और आईडी इकट्ठा लेता हूँ यहाँ पे मैं, इसको हटाइए, मुझे एम्प्लॉई नेम चाहिए पहले, नेम आईडी जो भी होता है वो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ये सॉरी एक एक इंसर्ट तक करना पड़ेगा, सीरियल नंबर, हाँ सीरियल नंबर। और यहाँ पे मैं मिनाल तो वन दे देता हूँ, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ मैक्स का, और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा पहले, और फिर कंडीशन दूंगा कि इफ इफ अगर इसमें प्लस वन होने पे, अगर वो ग्रेटर देन मैक्स जो है ए बाई ए होता है, तो यहाँ पे ब्लैंक कर दे, अदरवाइज उसमें प्लस वन करे। तो क्या होगा, जितना एम्प्लॉय का नेम होगा उतना सीरियल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, और मैं अंदाजन क्या कर रहा हूँ इफ एरर से, सॉरी और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग 1,500 पे ड्रैग कर देते हैं। तो हमारे पास सीरियल नंबर बन गया। अब एम्प्लॉय नेम के लिए जस्ट मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि मेरे पास एक यूनिक आईडी हो गया ना, एक दो यहाँ पे कॉमा टू
कॉमा जीरो, टू नहीं थ्री होगा, थ्री में जीरो है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आ रहा है ना सिर्फ यहाँ पे, एक मिनट में वो, ओ, कई सारे शीट को मर्ज किया हुआ है इसलिए, एक मिनट देखता हूँ। ये आपका सी, ये आपका एफ में है, अच्छा ई में है, तो देना होगा 1 2 3 4 5। ये दिक्कत होता है क्योंकि डेटा जो है ना गड़बड़ है, यहाँ 5 कर देते हैं। अब आ गया एम्प्लॉय का नेम और उसका जो भी होता है सो आ गया, नेम और एम्प्लॉय कोड दोनों आ गया। बट मुझे इस, हाँ नेम और एम्प्लॉय कोड दोनों आ गया। इसको हम लेफ्ट राइट मिड से अलग करके इसको नाम और दोनों को अलग कर सकता हूँ। अब इसका डिपार्टमेंट भी है हमारे पास। अब प्रॉब्लम है कि इसका डिपार्टमेंट हर हर जो भी हम यहाँ डालते हैं एम्प्लॉय, अब डिपार्टमेंट जो है हर किसी का नहीं है, ये डिपार्टमेंट एक ही दिया, ऊपर ही दिया हुआ है। अच्छा किसी में डिपार्टमेंट है किसी में डिपार्टमेंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमें डिपार्टमेंट हटा देते हैं। इसका स्टेटस, स्टेटस का काउंट मतलब कि अपसेंड का काउंट कितना है, पी का काउंट कितना है, ये हमें ये निकालना है। यहाँ पे कि टोटल इस डेटा में यहाँ पे कि यहाँ इसके अंदर में हमें सिर्फ ए चाहिए, इसे हटा देता हूँ मैं, बाकी हमें सिर्फ चाहिए कि इसमें जो स्टेटस है उसके पी कितने हैं, एल कितने हैं, ये हमें चाहिए सर। इसमें